गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आज लुब्रिकेंट चैनल। और आज हमारा टॉपिक है लुब्रिकेंट ऑयल्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हमारे कुछ अपडेटेड वीडियोस को देख सकें। तो जैसा हम जानते हैं कि लुब्रिकेंट्स ऑयल को कुछ कंपोनेंट्स केमिकल से बनाया जाता है, तो आज हम देखते हैं कि लुब्रिकेंट्स ऑयल कैसे तैयार होता है, राइट। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियोस को देखिए और इन फ्यूचर जो मेरे अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उसको भी आप देखते रहिए, क्योंकि कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊँगा जो मार्केट से बहुत रिलेटेड है लुब्रिकेंट के बारे में। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो भाई हमारे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल को बनाते हैं। ऑयल कैसा बनता है, ऑयल का बेनिफिट्स क्या है, लोग बनाने के लिए बना देते हैं। आज के समय में मार्केट में बेस ऑयल अवेलेबल हैं, रिसाइकल्स अवेलेबल हैं, कुछ भी डाल देते हैं क्योंकि वो बनाते हैं फिर आगे सेल करते हैं। लेकिन रिसाइकल क्यों डालते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। रिसाइकल में क्या होता है, उनको 5 रुपया 10 रुपया सस्ते मिलते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, क्वालिटी तो बहुत ख़राब बन जाती है। लेकिन हम बेस ऑयल में, प्योर बेस ऑयल में एडिटिव्स VI के साथ, विस्कोसिटी के साथ, उसी प्रोडक्ट को अच्छा कैसे बना सकते हैं। अगर बेस ऑयल में आप बनाएंगे तो 100% वो अच्छा क्वालिटी बनने वाला है। तो जस्ट मैं वही आपको बताऊंगा कि लुब्रिकेंट को अच्छे क्वालिटी में कैसे बना सकते हैं। कुछ हमारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जो कंपोनेंट्स कुछ प्रोडक्ट यूज होते हैं लुब्रिकेंट ऑयल में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक बेस ऑयल आपको दिखाता हूं, जो प्योर बेस ऑयल है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। ये है SN 500, ये SN 500 है, बेस ऑयल है। लगभग इसका 248 विस्को फ्लैश पॉइंट है, ओके। ये बेस ऑयल है और मैं आपको बताऊंगा कि ये है VI, विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर, जिससे हम विस्कोसिटी बढ़ाते हैं ऑयल का, ओके। ये VI 2 टाइप में रहता है। अगर ग्रुप 1 में आपने बनाया है तो आपका येलो बनता है, अगर आपने ग्रुप 2 बेस ऑयल यूज किया है तो ये वाइट में आता है। तो आप देख सकते हैं टोटली पूरा वाइट है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये है एडिटिव्स, ये है लुब्रिकेंट एडिटिव्स है, इंजन ऑयल एडिटिव। अब डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑयल बनते हैं, तो उसी तरीके से अलग अलग एडिटिव्स भी लगता है। अगर जैसे आप 4 स्ट्रोक बना रहे हैं बाइक के लिए, तो उसमें बाइक का एडिटिव्स रहता है। हैवी व्हीकल के लिए, हैवी व्हीकल के लिए SDDO एडिटिव रहता है। कार के लिए बना रहे हैं तो आपको PCMO, पैसेंजर कार मोटर ऑयल रहता है। सब टाइप्स अलग अलग रहते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो मैं बताना चाहूँगा कि 90% जो मैन्युफैक्चरर हैं ये प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करते, उनको पता भी नहीं है ऐसा। उनके लिए क्या है कि अरे मेरा ऑयल तो ठंड प्रदेश में नहीं जाता, तो मैं इसको क्यों यूज करूं, ओके। बट ऐसा कुछ नहीं रहता। जो आपका स्पेसिफिकेशन है लुब्रिकेंट ऑयल का, उसमें एक आता है कॉलम पावर पॉइंट, जो वो मैच होना चाहिए, उसके लिए ये प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं PPD, पावर पॉइंट डिस्पर्सन। तो ये PPD जो है ना, ये आपको यूज करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये कुछ 4 ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ओके, जिससे आपका एक लुब्रिकेंट ऑयल तैयार होता है। अब इसके साथ में अगर आपको इसमें कुछ कलर्स भी लोग डालते हैं, जिसको रेड कलर में बनाना है तो रेड कलर डाल देते हैं, जो हल्के छोटे मोटे क्वांटिटी में रहता है, ओके। अभी मैं आपको बता, उसी तरीके से ये एक एडिटिव है, आप जानते होंगे, ये है गियर ऑयल एडिटिव, जो गियर ऑयल में यूज होता है, ओके। अभी मैं कुछ बीच में ऐसे प्रोडक्ट बनाए थे इंजन ऑयल, ओके। अभी ये मैं एक इंजन ऑयल बनाया हूँ, काफ़ी लाइट में बनाया है, ओके। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ये, और ये एक माल मैंने इंजन ऑयल बनाया था जो थोड़ा डार्क बेस ऑयल में। अगर हम कभी ग्रुप 1 बेस ऑयल यूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट डार्क हो जाता है। ग्रुप 1 बेस ऑयल में बनाएंगे थोड़ा डार्क हो जाएगा ये फिनिश गुड जब रेडी होता है। अगर हम कभी ग्रुप 2 में माल बनाते हैं वाइट वाले बेस ऑयल में, तो ये कलर का ये माल रेडी होता है, ओके। बस मैं बताना यही चाहूँगा कि आपको जो प्रोडक्ट यूज करना है अपने व्हीकल में, या जो हमारे मैन्युफैक्चरर भाई देख रहे हैं वीडियोस, उनको समझना है। अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ नए प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ इंडस्ट्रियल के बारे में बताऊँगा। तो आपका जो भी एक पॉइंट लिख के रखो, आप मुझे वीडियोज में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें मेंशन रहे।
अब जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक लुब्रिकेंट ऑयल, अब ये जैसे कि ये लुब्रिकेंट ऑयल हो गया जो हमने ग्रुप टू बेस ऑयल में बनाया, काफ़ी अच्छा कलर है और विस्कोसिटी भी काफ़ी अच्छा है इसका, विस्कोसिटी इंडेक्स। अब इसमें क्या रहता है कि लोग देखते हैं, जो कुछ मैन्युफैक्चरर है वो B4 कप से चेक करते हैं कि भैया ये अपना सेकेंड जो है कैस्ट्रोल जैसा सेकेंड मैच हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं रहता। इसके लिए जो इक्विपमेंट रहते हैं, विस्कोसिटी बाथ रहता है 100 डिग्री एंड 40 डिग्री का, जिस पे हम टेस्ट करते हैं कि इसका इंडेक्स कितना आता है, वो सब वो चेक करना पड़ता है। ये जो विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग, जब हम प्रोडक्ट करते हैं, ऑयल बनाते हैं। अगर ये प्रोडक्ट हमें प्रॉपर नहीं मिला, बराबर नहीं मिला, तो हमारे व्हीकल से, गाड़ियों से, बाइक से धुआं आने लगता है, इवन हीट होने लगता है, क्योंकि ये माल मोटा दिखता है लेकिन अब पता नहीं सामने वाले बंदे ने इसको बेस ऑयल, प्रॉपर बेस ऑयल में बनाया या रिसाइकल यूज किया। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने रिसाइकल में बनाया ना, तो इंजन ऑयल जो है वो मोटा दिखेगा। आप ऑयल इंजन में डालेंगे और गाड़ियाँ चलने के बाद, लगभग हार्डली 100-200 किलोमीटर चलने के बाद वो ऑयल बहुत पतला हो जाता है और गाड़ियाँ फिर धुआं देने लगती है और हीट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा पैर के जगह पे आपको बहुत ऐसा फील होगा कि बहुत हीट हो रहा है मेरा गाड़ी। तो कभी कभी ये जो है लोग, अच्छा है उनको ये प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, इसलिए कभी भी किसी से अगर आप संपर्क करते हैं तो ये अच्छा प्रोडक्ट लीजिए, तो आपका क्या रहेगा कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बनेगा और मार्केट में आप और भी मार्केट कवर कर सकते हैं। ओके, साथ में आप ध्यान दीजिए, ये एडिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो इंपोर्ट करती हैं, कुछ यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं जो देते हैं एडिटिव, सप्लाई करते हैं, तो आपको एडिटिव पे विशेष कर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एडिटिव कैसा लेना है। ओके, कि ऐसा है कि ये तो हो गया लुब्रिकेंट का एक मार्केट हो गया। आने वाले वीडियोज़ कुछ ऐसे रहेंगे जो आपको मैं कुछ हिंट दूंगा, टिप्स दूंगा फॉर्मुलेशन के लिए, इसलिए आप जो है ये, आप इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबा के रखना, क्योंकि मेरा ये नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं आपको सब गाइड कर सकता हूँ। अगर आपके पास मार्केट है तो आप मैन्युफैक्चरिंग छोटे स्केल पे प्लांट भी लगा सकते हैं, जो हम आपको गाइड करेंगे। हमारी टीम है, हम आपको टीम से डायरेक्ट संपर्क कराएंगे, वो आपको गाइड करेंगे माल को कैसे बनाना है, क्या बनाना है। आने वाले समय में आपको ग्रीस की कुछ जानकारी देंगे, इंडस्ट्रियल में आपको कटिंग ऑयल, रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल वो कैसे बनता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आने वाले वीडियोज़ कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।